मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि लकड़ी माफियाओं से वन कर्मी पिटकर आ रहे हैं, बंदूक है पर बंदूक चला नहीं सकते हैं, पुलिस फॉरेस्ट और कलेक्ट्रेट की मदद से माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है जिसके बाद वन विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल इंदौर महू के समीप चोरल के जंगलों में हो रही अवैध कटाई को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि वन माफिया नहीं मान रहे हैं और वन कर्मी पिटकर आ रहे हैं, हमारे पास बंदूक है लेकिन चला नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में वन विभाग को पुलिस और जिला प्रशासन की मदद की जरूरत है। अभी कुछ जो ये मौसम है इसमें अतिक्रमण करके और कुछ फसलें लगाने की कोशिश जी यहाँ हुई है और उनकी हम लोगों ने बोला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी समझाने से नहीं बन रहे और कई बार वन कर्मी पिट के आ रहे हैं जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ अलग से एक्शन लेना की ज़रूरत है। पुलिस फॉरेस्ट और कलेक्ट्रेट तीनों की संयुक्त टीम बना करके ही कुछ अब हम लोग आगे एक्शन इस बारे में लेंगे, क्योंकि खाली फॉरेस्ट वालों को भेजने से जो चीज़ चाहिए वो आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बंदूकें हैं लेकिन हम बंदूक नहीं चलाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जन जागृति के साथ साथ फॉरेस्ट पुलिस और कलेक्ट्रेट और जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, ताकि उनको जागरूक भी किया जा सके और वन अतिक्रमण से रोक। वहीं लकड़ी माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध परिवहन मामले में मंत्री शाह ने कहा कि अधिकारियों से जांच कराई जाएगी, पर्यावरण के लिए अगस्त में नई नीति लाएंगे। नियम विरुद्ध अगर जो भी काम करता है उस पर कार्रवाई हम करेंगे, हमारा अमला करेगा, और इसलिए हमारे अधिकारियों ने वह कार्रवाई भी की है। कार्रवाई करने के बाद तत्काल उसका एक समय होता है, प्रोसीजर होता है, निश्चित रूप से उसको फॉलो कर ही रहे होंगे वो लोग। ये हमारे DFO भी इंचार्ज है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। अभी हम लोग बना रहे हैं और बनाने के बाद 15 अगस्त तक हमारा एक रोड मैप बन जाएगा कि हम वन विभाग से क्या अपेक्षा करते हैं और वन विभाग को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और वन विभाग को उस दिशा में ले जाने के लिए जनता का, जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का क्या हमारे रोड मैप पे नजरिया होना चाहिए, ये सारा मामला 15 अगस्त तक पूरा क्लियर हम कर देंगे। कुल मिलाकर वन मंत्री विजय शाह के बयान के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वन विभाग जंगलों की सुरक्षा करने में खुद समर्थ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।